नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के गढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ललकार, सिरसा के डब्बावाली में जिए किसान जिए जवान रैली को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टेज पर अपने संबोधन में चौधरी देवीलाल की खूब की सराहना। इनेलो के गढ़ में इनेलो पर साधा निशाना, बोले 15 साल तक सत्ता से दूर और 15 सालों बाद तक नहीं आ पाएंगे सत्ता में। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद। तकरीबन 70 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। डब्बावाली और उसके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए मुख्यमंत्री ने दी लगभग 100 करोड़ की सौगात। गांव गोरीवाला में उप तहसील का दर्जा दिया। सिरसा के किसानों को 2017 के खरीफ की नरमे की फसल का मुआवजा देने का वादा किया गया 10 दिनों के अंदर अंदर। आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इनेलो के गढ़ में जमकर बरसे। इनेलो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 15 सालों से इनेलो सत्ता से दूर रही है और 15 साल आने वाले 15 साल तक भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के डब्बावाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए गए जिए जवान और जिए किसान रैली में 73 करोड़ 35 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और 70 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की तथा लगभग 112 करोड़ रुपए से भाखड़ा मेन ब्रांच की चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्वार करने तथा गोरीवाला उप तहसील को तहसील के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सिरसा जिला इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा तो हरियाणा के कोने कोने में भाजपा का परचम इसी तरह लहराएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वर्ष 2014 में जिस भरोसे के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिला करके राज पलटा था, हमने पिछले 4 वर्षों के अंदर 48 साल से चली आ रही राजपाट करने की व्यवस्था को पलट दिया। ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ कर पर्ची तथा खर्ची वाली प्रथा, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। मंचा सिंह मेरे सभी पदाधिकारी दलों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा की तरफ से मेरा सभी से निवेदन, दोनों को की पल करके हाथ उनको उठा करके माननीय वाजपेयी जी चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, उन्होंने हमेशा सकारात्मक नेता आपके दुख सुख के साथी देव कुमार शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और आपको संबोधित करें। देव कुमार जी हैं और दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं,
ऐसे किसान का जो उत्पाद है रेशम का, उसमें हम 15% का कंट्रीब्यूट करते हैं। 15% का मित्रों, 2014 में इस प्रदेश की जनता ने बहुमत देकर के राज को पलटा। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने शासन में बैठाया, आपने तो राज को पलटा, लेकिन पिछले इतने सालों के 48 सालों के राज को करने वाली जो पद्धति थी, राजकाज का जो तरीका था, हमने 4 सालों में उस राजकाज के तरीके को पलट दिया। राजकाज का जो पहले तरीका होता था, खर्ची और पर्ची का सिस्टम, भाई भतीजावाद का सिस्टम, कुड़पा का जो आधिपत्य होता था, मेरा कुड़पा जो है वो आधिपत्य रखेगा, गुंडागर्दी का जो राज होता था, बिचौलिए जो बीच में बंद करके और सरकार के काम आपके करवाते थे, हमने आकर के वो साफ बंद कर दिए। हमने सब जगह समान विकास किए। 2017-16 के अंदर 2 साल में 90 की 90 विधानसभाओं में गया हूं। आपको याद होगा कि यहाँ 2016 के महीने में साल में आया था और उस समय 90-100 करोड़ रुपए की घोषणा करके गया था पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज कई काम मुझे बताए गए हैं कि जिनका उस समय काम शुरू किया गया, इन्हों को तो आज उद्घाटन हुए। आज 19 कार्यक्रम ऐसे थे जिनका या तो उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास हुआ है। 81 करोड़ रुपए की योजना है आज तक का उस वर्ष में, 81 करोड़। न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हक में है। हम लोग देख रहे हैं कि आज देश के अंदर 22 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की सरकार है। लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में थोड़ी कमी है। राष्ट्रपति आज हमारे हैं, उपराष्ट्रपति हमारे हैं, जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें हमारे विचार के लोग वहां हैं। इसलिए आज मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मेहनत की और जो विचारवाद लोग हमारे साथ आके मिले, हमने सबको साथ लेके हम चले और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो क्षमता थी सब दलों को साथ लेके चलने की, उस क्षमता के आधार के ऊपर आज सारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल ये भारतीय जनता पार्टी बन गया, सबसे बड़ा दल बन गया। और मैं आपको उसे अपील करूंगा कि इस इलाके में भी लोगों को समझना चाहिए कि जिस दल के साथ इलाके के लोग लगे हैं वो 15 साल पहले राज में था, 15 साल से राज नहीं आया। और मैं दावा करके कह सकता हूं कि कम से कम अगले 15 साल में और नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना होगा कि चौधरी देवीलाल जी जिनके हम प्रशंसक हैं, वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन उनकी राजनीति के समय वो चाहते थे कि मेरा विचार दूर दूर तक फैले। 4 बेटे थे, चारों बेटों को समान रूप से देखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हैसियत को, उनकी हैसियत को, उनकी वरीयत को एक ही बेटे ने रगड़ लिया, अरे मैंने कहा कि इस प्रदेश के लोग, इस इलाके के लोग, डबाड़ी के लोग, हम देखे तो उस परिवार में अगर कोई होनहार नौजवान है क्या? आपको ध्यान में आता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उस परिवार का नौजवान ये आदित्य चौटाला है।